अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वॉचिंग क्रिप्टोनियंस अकेडमी पाकिस्तान और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट्स के बारे में और आपको मैं कुछ एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा और मार्केट के अंदर ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसके हर एक्शन होने के बाद मार्केट एक बड़ी सी मूवमेंट लेती है और वो चीज़ अब भी फॉर्म हो रही है। तो आओ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी के। तो यार बिटकॉइन का हम लोग यहाँ पे एक चार्ट खोल के बैठे हैं जो कि बिटकॉइन का डेली चार्ट है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी बिटकॉइन के अंदर, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, जब यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर डाउनवर्ड चैनल, सही है, जो ये चैनल अभी चल रहा है ये वाला जो पहले चल रहा था जो कि 8 ऑफ जनवरी आज से तकरीबन एक साल पहले, सही है, जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, इसके बाद बिटकॉइन एक अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूव किया था, फिर इसके बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। डाउनवर्ड चैनल के अंदर जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है, मतलब जैसे ही डाउनवर्ड चैनल के अंदर ब्रेकआउट होते हैं और कैंडल्स क्लोजिंग होती हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छी बड़ी मूवमेंट लेती है। देखो एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा था, देखो पूरी मार्केट ऐसे ऐसा करके डाउनवर्ड जा रही थी, इसी चैनल के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ पे अगर मैं आपको प्राइस टूल से दिखाऊं तो पूरी मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूव कर रही थी, सही है। फिर एकदम से जैसे ब्रेकआउट हुआ देन बूम, और यहाँ पे हमें देखने को मिला कितना परसेंट पंप। अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं अपना पंप प्राइस रेंज से, अगर हम मेजर करते हैं यहाँ से अपना पंप, तो हमें वो पंप देखने को मिला था मोर देन 74% का ये पंप था, जिसमें $24,000 का ये पंप था। और इसको अगर हम देखें कि कितने दिन के अंदर ये पंप आया था, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो पंप था वो कितने दिनों में आया था, ये 20 दिन के अंदर, मतलब 3 हफ्ते पूरे इस पंप में हुए और ये पंप जो हुआ तकरीबन हमारा अच्छे वॉल्यूम के साथ 75% इसने पंप दिया। इसके बाद हम वापस आगे चलते हैं, देन यहाँ पे हमें वापस एक ऑल टाइम हाई, एक बुल रैली के बाद हमें एक बेयर मार्केट दिखी, और इस बेयर मार्केट के अंदर हम लोग देखें, बेयर मार्केट की सबसे बड़ी निशानी होती है कि हम उसके अंदर डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूव करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे एक महीना या डेढ़ महीना, सही है। तो ये एक महीना हमारी बेयर रैली रही, मतलब बेयर्स की रैली जो थी, बेयर्स ने जो मार्केट पर कब्जा किया हुआ था वो चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह बेयर मार्केट ने क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट किया था। यहाँ पे ये हमारा जो वापस चला था डाउनवर्ड चैनल, इसके अंदर भी यही हुआ था कि बिटकॉइन की जो चार्ट था, ग्राफ था, प्राइस रेंज थी, वो सिर्फ डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूव होने स्टार्ट हो गई थी। और ये सबसे बड़ी बेयर रैली थी हमारी जो कि 2316 में से स्टार्ट हुई थी, वैसे तरीके से तो क्रैश के बाद जो यहाँ पे क्रैश आया था, क्रैश के बाद ये चली थी हमारी 20 मई से लेके 20 जुलाई तक, मतलब मई जून जुलाई 3 महीने हमारे पास पूरे चली। और पूरे 3 महीने बाद इसने वापस, जैसे ही डाउनवर्ड चैनल को देखो, इसने अच्छे वॉल्यूम, देखो यहाँ पे ब्रेक तो हुआ था लेकिन हमारे पास उस वक्त फंडामेंटल्स बहुत बुरे चल रहे थे, क्योंकि चाइना ने उस वक्त, चाइना हर साल कोई ना कोई फंड देता है और जब चाइना का जो फंड होता है वो बहुत ज़्यादा माने रखता है, वैल्यूएबल रखता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी वॉल्यूम नहीं थी और जिसकी वजह से हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बनी और मार्केट के अंदर फिर एक फड़ आया और मार्केट वापस यहाँ से क्रैश हुई। देन वापस मार्केट अपने उस चैनल के अंदर कंटिन्यूएशन में आ गई। फिर जैसे ये चैनल हमारे पास एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, ये दिन था जो 21 जुलाई का जब हमारे पास नई बुल रैली आई थी, इसके अंदर क्या था, बी वर्ड के, जिसके अंदर एलॉन मस्क ने, ईद उल अज़हा का दिन था और एलॉन मस्क सब ने मिलकर एक अच्छी मीटिंग की थी, जैक डॉर्सी और इसके अलावा सब ने मिलकर एक अच्छी मीटिंग की थी, जिसके बाद इसके अंदर एक पंप आया और ये हमारे पास वापस एक पंप आया। अगर हम यहाँ से इसकी प्राइस रेंज देखें वापस से, तो ये कितना पंप था हमारे पास, कितने डॉलर्स का था और कहाँ तक आया, ये हमारे पास वापस एक पंप आया जो कि 60% था और $20,000 का ये पंप था। और ये जो इसका एक रैली आई थी, इसको अगर हम डेट रेंज करके देखें, तो ये हमारे पास चली कितने दिनों में आई थी, 45 डेज, मतलब पिछली वाली 20 दिन के अंदर और ये वाली 45 डेज के अंदर, मतलब डेढ़ महीना ये चली। इसके बाद वापस से हम एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर, एक बेयर मार्केट के अंदर एंटर हुए और यहाँ पे हम एंटर हुए थे 7 सितंबर को और यहाँ से हम निकले 30 सितंबर को, मतलब पूरा महीना हम एक इसके अंदर रहे। एक ये भी बड़ी रैली है, देखो जब भी हम इसके अंदर जाते हैं, पहले हम 8 जनवरी को गए थे, देन हम यहाँ से निकले फरवरी में, पूरा महीना चली यहाँ पे, 3 महीना चली यहाँ पे, हमारे पास एक महीना चली, सही है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारे पास, ये 6 सितंबर से एक तरीके से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये ओवर हुई थी 30 सितंबर, मतलब 26 दिन। तो यहाँ पे जैसे डाउनवर्ड चैनल ब्रेक हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे वापस एक बिटकॉइन ने एक अच्छा पंप दिया और यहाँ से अगर हम प्राइस रेंज देखें तो वो कितने डॉलर्स का पंप था, और यहाँ से बिटकॉइन ने वापस एक $20,000 का, यहाँ से $21,000 का पंप दिया, जो कि 46%, मतलब एक तरीके से लमसम 47% यहाँ पे बन गया। और ये कितने दिनों में आई थी ये जो रैली हमारे पास आई थी, ये इसकी स्टार्टिंग जो थी वो यहाँ से हुई थी और ये तकरीबन, सॉरी मैंने वापस प्राइस रेंज ड्रॉ कर दी, सॉरी यहाँ पे डेट रेंज में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से ये चलते हैं यहाँ तक, ओके। और ये 20 दिन इसके अंदर 21 दिन, सही है, मतलब यहाँ पे जो रही थी वो भी 21 दिन थी, यहाँ पे रही वो भी 21 दिन रही, यहाँ पे 45 डेज। अब वापस अगर हम देखें तो बिटकॉइन जो है वो एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूवमेंट कर रहा था, सही, और आज इसने ब्रेकआउट किया। आज की जो कैंडल क्लोजिंग है हमारी, उसके अबव रिकॉर्ड है, अगर हम 4 आवर का चार्ट देखते हैं
तो इसके अबव हमारी जो कैंडल है वो रिक्वायरमेंट चाहिए, हमने इसको ब्रेक किया और यही हमारी अब सपोर्ट बन गई और इससे हम रिटेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर हम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ वीकली क्लोज करते हैं इस महीने इसके ऊपर ही इस वीक ही, तो वापस से हमने देखा हर बार 20-20 हज़ार के जो है वो पंप आए। और अगर वही पंप यहाँ से $20,000 का आता है प्राइस रेंज के अंदर, तो यहाँ पे हम इसकी प्राइस अगर यहाँ से लेके जाएं $20,000 ऊपर, यहाँ पे हम इसकी प्राइस वापस जो थी इसकी 40% यहाँ पे हम पंप देख सकते हैं, जो कि इसका जो अभी ऑल टाइम हायर है 70,000, तो उसके करीब वापस हम मार्केट की मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस हिस्ट्री के जरिए जो एक साल से एक चीज़ चलती भी आ रही है, जितने भी बड़े बड़े क्रैशेज आए उसमें जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट जब देखो बेयर मार्केट की ना सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो इसके बाद मार्केट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब एक महीना या डेढ़ महीने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भी, जिस तरह यहाँ पे चली इस वाले फोन पे, तो बिटकॉइन जो है वो डाउनवर्ड के अंदर मूवमेंट करता है और बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन जो है वो अप एक बड़े बड़े स्पाइक देता है, अपवर्ड मार्केट के अंदर मूव करता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला डाउनवर्ड आया बेयर मार्केट हुई, इसके बाद हमारे पास $20,000 का पंप, फिर हमारे पास बेयर मार्केट आई 3 महीने की, फिर एक पंप आया ये वाला, फिर बेयर मार्केट आई हमारे पास 1 महीने की, फिर पंप आया, और अभी वापस ये जो स्टार्ट हुआ है डम को स्टार्ट हुआ हमारे पास टाइम हुआ था ये जिस दिन आया था उस दिन थी 6 सितंबर, और आज यहाँ पे हमारे पास 21 सितंबर, तो वैसे तो इसकी जो शुरुआत थी वो यहाँ से हुई थी एक तरीके से देखा जाए तो 3 सितंबर से, और मे बी चांसेस है कि 26 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है ये जैसे ही मंथ ओवर होता है इसके बाद हम वापस इस वीकली क्लोजिंग के बाद, जो ये वीक की क्लोजिंग होगी अभी, इसके बाद से हम अगला आने वाला जो वीक है उसमें एक बड़े स्पाइक्स देखेंगे और वापस बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की तरफ जो है वो जा सकता है। सही है, तो यहाँ पे भी हमारी बेयर मार्केट एक तरीके से जो दिखा रही है अगर वीकली क्लोजिंग हमारी दे देता है, अभी तक हमारी क्लोजिंग इतनी खास हुई नहीं है, डेली क्लोजिंग भी नहीं हुई, 4 आवर की जो क्लोजिंग होती है वो इतनी कुछ खास नहीं कहलाती है, लेकिन जो डेली और वीकली क्लोजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माने रखती है हमारे पास। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी बेयरिश है, 1 मंथ के चार्ट के अंदर हम देखें तो बिटकॉइन के जो प्राइस है यहाँ पे, मैं अगर सब कुछ आपको दिखा दूँ रिमूव ड्रैंक्स करके, तो एक डबल टॉप बनाकर आ रही है, और डबल टॉप जब भी बनते हैं इस तरह की सिचुएशन होती है तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेयरिश होता है, बहुत ज़्यादा बेयरिश होता है मार्केट के अंदर, कुछ इस तरह की मूवमेंट करती है। ओके, इस तरह की यहाँ पे मार्केट मूवमेंट करती है, लेकिन इस मंथली क्लोजिंग से बचने के लिए हमें, अगर हम इस एम से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक हैवी सपोर्ट वाला जोन आ जाता है, वो सपोर्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक स्किन हैवी सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे पास एक हैवी सपोर्ट आ जाती है जो कि 45,000 से लेकर $43,000, बिटकॉइन इसके नीचे नहीं जा सका, लेकिन इसके नीचे हम आए थे। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है और जनवरी इसके ऊपर से ही स्टार्ट होता है नई क्लोजिंग, तो फिर हमारे पास ये जो होगा पैटर्न इनवैलिड होगा और मार्केट एक अच्छा बुल रैली वापस मार्केट के अंदर जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर मंथली क्लोजिंग हमारी इसके नीचे होती है तो हम वापस से मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, फिर हम मार्केट को यहाँ पे भी देख सकते हैं $38,000 से, हम मार्केट को $30,000 भी देख सकते हैं, और शायद हम मार्केट को यहाँ से $10,000 भी देख सकते हैं। सही है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है। हमने डबल बॉटम्स बड़े बड़े, हमने अब डबल टॉप को आप देखें अगर गूगल पे जाके आप सर्च करें डबल टॉप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयरिश पैटर्न होता है। अगर मैं डबल टॉप आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एफटीएम के चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि डबल टॉप ने अपने यहाँ पे किस तरह से काम करता है। देखें डबल टॉप जब भी बनते हैं इस तरह के मार्केट के अंदर, ये देखें, तो मार्केट अपनी पूरी इसको कंप्लीट करने के लिए नीचे आती है, और मार्केट ने यही किया। तो ये डबल टॉप जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा बुरे कहलाए जाते हैं, और जो डबल बॉटम्स होते हैं हमारे पास वो काफ़ी बुलिश सिनेरियो होता है। तो बस जो मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन की जो हमें क्लोजिंग चाहिए वो अबव मंथ वीकली क्लोजिंग हमें अबव इस लाइन के चाहिए जो कि प्राइस आती है हमारी 48,000, और जो हमारी मंथली क्लोजिंग होनी चाहिए आने वाले साल में, हमें बुल रन अगर कंटिन्यूशन में देखना है कि बुल रन आता है तो वो किस तरह पॉसिबल है, और जो हमारी आने वाली प्राइस जो हो वो हमारी इसके नीचे ना हो, मतलब $45,000 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए। ओके, तो बस यही थी बिटकॉइन के लिए मार्केट अपडेट्स, बाकी जैसी कोई मार्केट में अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं सो मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप पेड ग्रुप वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पेड सिग्नल्स में इंटरेस्टेड हैं पेड ग्रुप में, अगर आप कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सो यू कैन चेक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।